नमस्कार, पहला प्रणाम। उत्तराखंड, मेरा नाम काव्य है और उत्तर का पुत्तर पर जब भी आप मेरे को देखते हो, किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आता हूँ जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। अक्सर जब म्यूजिशियंस की बात होती है तो कमेंट सेक्शन में आप में से तमाम सारे लोग ये लिखते हैं कि कुमाऊँ से अगला आर्टिस्ट कौन आ रहा है या गढ़वाल से अगला आर्टिस्ट कौन आ रहा है। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुमाऊँ और गढ़वाल से ना बुलाऊँ, मैं उत्तराखंड से बुलाऊँ। और आई थिंक अभी के टाइम में कुछ बेहतरीन ऐसे आर्टिस्ट हैं जो उत्तराखंड की सोचते हैं, एक उत्तराखंड की बात करते हैं, और उन्हीं में से अनंतनाथ करके बैंड मेरे साथ में है। वेलकम। थैंक यू। बताओ यार अपने बैंड थोड़ा सा। नमस्कार, मेरा नाम अतुल सती अक्स है और मैं इसके लिए, अपने बैंड के लिए पोएम्स लिखता हूँ जिस पे हम लोग काम करते हैं। और ये हमारा भाई हेमंत हैं, हेमंत दतोड़ी, ये हमारे लिए पियानो बजाते हैं, कीबोर्ड प्ले करते हैं। और ये हैं जॉयदीप सिंह, ये हमारे लिए लीड गिटारिस्ट हैं और ये गिटार को प्ले करते हैं। और ये अनूप हैं जिनकी आवाज़ आप हमारे बैंड में सुनते हैं। ओके, तो जब मैंने इंट्रोडक्शन में ये कहा कि ये ऐसा बैंड है जो एक उत्तराखंड की बात करता है, तो सबसे पहले इनकी एक कॉम्पोजिशन जो मेरे को बड़ी पसंद है वो सुनते हैं, और उसके बाद फिर मैं इनके बैंड और किस तरह से सब कुछ हुआ उसकी बात करेंगे। तो शुरुआत करें गढ़ घुमाओ के साथ। हाँ, गढ़ को वो लगभग 4 साल पुरानी हमारी कंपोजिशन है जी, और आप करिए शुरू, फिर हम साथ देते हैं। कथा ऊंची कदगा मोटी गढ़ कुमो की बाड़ खड़ी हीटा दाजू हीटा बैण्यो काटा ये बाड़ ल्यावा दथुली मेरी है जा मेरी या भूमि मेरा पहाड़ है की जब एक ही माच हमारी त लड़े बोला के बात है की उत्तराखंड की बात करला करला बात पहाड़ है की छोड़ की बथ ब्याली की अब बथ लगोला आजे की झूमेलो एकी झोड़ एकी थाल एकी डोर उड़ुकु एकी मुरली एकी बद्री केदार नंदा एकी एकी बोण एकी हिमाल एकी गंगा जमुना एकी एकी बोण एकी हिमाल गंग की गंगा जमुना एकी ढोल दमोर बाजा एकी बाल मीठे सिंगोरी है की नथ गुलबंद बुलाक है की उतरण मकरण भी है की होली होल्यार बगवाल है की पांच बुरास का फल है की पानी पलायन पहाड़ है की रोजगार की दौड़ भी है की राजधानी पहाड़ी ने थी राजधानी पहाड़ी ने थी पीड़ा एकी जोड़ भी एकी पीड़ा एकी जोड़ भी एकी। आहा, क्या बात है यार, तालियां खुद ही बजाओ। अच्छा, ये जो कंपोजिशन है, पहले कंपोजिशन आई थी या फिर पहले लिखा गया था कि यार ऐसा कुछ थॉट है और इस पे काम करते हैं? ये एक साथ हुई थी सारी चीजें। हाँ, ये हमने मिलके ही मतलब उसी टाइम लिखा, उसी टाइम कंपोज करा साथ में। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था कि टॉपिक नहीं था हमारे पास कुछ भी कि इस मतलब उत्तराखंड में कुमाऊँ गढ़वाल एकता के ऊपर कोई गाना लिखना है, ऐसा कुछ टॉपिक नहीं था उस टाइम पे। हमको उस टाइम पे जो स्टार्टिंग था, दोस्त था जो हमसे मिलने आया था, हाँ गौरव पांडे, आपके भी दोस्त हैं बिल्कुल। तो हम लोग ऐसे बैठ के गपशप कर रहे थे उत्तराखंड के बारे में, उसके म्यूजिक के बारे में हम सोच रहे थे। तो एक डिफरेंस हमको हमेशा ही लगता था कि रहता है ऐसा कुमाऊँ गढ़वाल के लिए, मैं भी वहाँ पर था। ऐसी बातों बातों में हमारा एक गाना था पहले शिव जी वाला बम बम भोले वाला, उसमें हम चारों थे। तो हमने ऐसी बातों में करते करते और उस गाने को हमने कंपोज करना शुरू किया था काफ़ी पहले। तो वो एक ही रात में हमने उसी समय लिखा, उसी समय म्यूजिक रिकॉर्ड किया और अगले दिन 8 घंटे बाद रिलीज कर दिया। अच्छा, तो ऐसे ही गौरव ने बोला कि यार ऐसे कोई गाना हम कभी कर सकते हैं। तो टॉपिक हमारा हमेशा ऐसा रहता है कि उत्तराखंड से रिलेटेड या फिर ऐसी कोई चीज़ जो टच करे जी, सिर्फ शोहरत पाने के लिए नहीं, लेकिन कोई बेसिक बात हो एज ए पोएट करके। तो गढ़वाल कुमाऊँ के ऊपर हमने काम करना शुरू किया। तो मैं लिखता गया
और म्यूजिक बनता गया। मेरा हम लोगों का मेनली था कि एक सॉन्ग, मतलब एज अ म्यूजिशियन हमारा काम क्या था, मैं सोच रहा था कि एक ऐसा गाना बनाते हैं कि जिसमें बहुत सारे टाइम सिग्नेचर्स हों, इसमें 5 फिर 6 फिर, हाँ, लेकिन वो थॉट बाद में यहाँ पहुँच गया कि ये कर सकते हैं हम लोग, जब हमने देखा कि हाँ एक्चुअली एक जैज में क्लासिकल पीस था 5/4, तो हम डिस्कस कर रहे थे बहुत मुश्किल है, तो हमने सोचा चलो कुछ ऐसा भी ट्राई करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो बहुत जैसे मेरे को समझ में आ गया था, इसको आ गया था, तो चल रहा था, तो प्रैक्टिस करते करते वो फिक्स हो गया। तो फिर वैसे करते करते फिर पहले 5/4 करा, फिर 3/6 करा, फिर 7/8 करा, बट अभी हम सोच रहे हैं इसका फिर सेकंड वो निकालने के लिए, तो उसको प्रॉपर पाड़ी खेमटा है उसको डाल के जो एक दो रिदम और मिस होगी तो उसमें ऐड ऑन करेंगे। ओके, क्योंकि ये भी पार्ट वन है, पार्ट टू जो स्पेसिफिकली उसके लिए है, गैरसैंड के लिए जी। हमारी कैपिटल अगर पहाड़ी होगी तो उत्तराखंड का डेवलपमेंट हिमाचल के जैसे, जिसको हमने आइडल रख के बनाया है, या नॉर्थ ईस्ट में जितने भी डेवलपमेंट हो रही हैं, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो उनका जो हार्ट है कैपिटल है वो विद इन माउंटेन एरिया में ही है। तो वो हम सोच के जो उसका सेकंड पार्ट है वो अभी हमने इतना ही पार्ट किया है, अब सेकंड पार्ट हमारा जो पहाड़ को लेके है उस पर कुछ नए तरीके से या देखते हैं कैसे करके उसको हम लिख लेंगे। एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आप लोग म्यूजिशियन हैं और नॉर्मली जब राजधानी या इस तरह के टॉपिक होते हैं ये सामाजिक से ज़्यादा राजनीतिक होते हैं कि उनकी मंशा क्या है, आपको क्या वाकई लगता है कि अगर राजधानी जो है वो गैरसैंड होगी तो उसका म्यूज़िक पे भी फ़र्क पड़ेगा? हाँ, काफ़ी हद तक पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट तो वहीं है, कोर में है, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी उस चीज़ से। और जो लोग देहरादून में बैठ के म्यूज़िक कर रहे हैं, एक म्यूज़िक का एक जो उत्तराखंड है या पहाड़ के जो हमने कल्पना परिकल्पना की थी, उत्तराखंड आंदोलन में मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था अपने बचपन में, तो वो एक डिफरेंस रहता है कि गांव की जो मिठास है या गांव की जो हवा है वो वही समझ सकता है जो गांव में है ना, और हमारे जो लोकगीत हैं या जो लोक वाद्य यंत्र हैं वो शहरों की भीड़ में खो जाते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हम वो वाद्य यंत्र बजा पाएंगे, लेकिन जब वो सारी सुविधाएं वहाँ आएंगी, और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो नौकरी के कारण हमारे जैसे लोगों को बाहर आना पड़ता है जी। वो जब टैलेंटेड रहते हैं, म्यूजिशियन हैं, क्योंकि म्यूजिशियन या पोएट जो भी होते हैं आर्टिस्ट, वो बाय हार्ट होते हैं, इसलिए कुछ प्रैक्टिस की या कुछ कोई टीचिंग की जरूरत नहीं होती, मतलब पहले दिल में ही होगा। तो जब वो उस प्लेस में रहेंगे तो उस इन्वायरमेंट को वो ढाल पाएंगे, और जब हम जिस अच्छे एनवायरनमेंट की कंटिन्यूस बात करेंगे तो वो ऑब्वियसली ग्रो करेगा। शहरों में रह के हमारी जैसे पोएम है तो हम उसमें शहर के भाग दौड़ के बारे में बात करते हैं, और धीरे धीरे वो एक डिप्रेशन की तरफ जाता है जी। क्योंकि बहुत भाग, अभी देहरादून के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो जब हम लोग देहरादून में रहते थे तब बहुत आराम था, और हम मैक्सिमम लोग पैदल या फिर अपने स्कूटर बाइक में जा रहे हैं, लेकिन अब वहाँ भी हर कोई कार वाला हो गया, फ्लैट सिस्टम हो गया जी, तो कंजेस्टेड हो गया है देहरादून आज के डेट में, ओवरक्राउडेड है। तो वो चीज़ जब एक एक, एक पहाड़ों में ही पहाड़ी चीज़ रहेगी तो हम अपने कल्चर को बचा पाएंगे, नहीं तो फिर शहरी हो जाएंगे हम भी। राइट, क्या मानते हो यार, नॉर्थ ईस्ट से पापोन निकल जाता है, पंजाब की तरफ से सतेंद्र सरताज जैसे आर्टिस्ट निकल जाते हैं, गुजरात की तरफ से दर्शन रावल निकल जाता है, उत्तराखंड से कोई रॉकस्टार टाइप क्यों नहीं निकलता? मतलब ऐसा लगे ना यार रॉकस्टार है, चक्कर क्या है, कभी सोचा है इस बारे में? इसका तो नहीं सोचा कभी आज नहीं सोचा नहीं, पर क्या सोचते हो, होना चाहिए ना, मतलब नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ से भी रॉक स्टार हो, हम दिल्ली में जब शो करें कहें यार ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा आर्टिस्ट है, या यू नो इस तरह का। पपोन को हम बहुत पहले से सुन रहे हैं, जब वो इतना बड़ा नाम नहीं भी रहा होगा, उसने हमने कभी बेसिक रूट नहीं छोड़े जी, और प्रॉपर कॉपी करने का कभी नहीं सोचा, अपना बेसिक उसमें रहा, ऐसे पंजाब से आपने या जितने भी रॉक स्टार अभी तक हुए हैं जी, वो कहीं ना कहीं अपना ओरिजिनल और बेसिक रूट को पकड़े रहे हैं। हम लोग बहुत तेजी से ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं जिसकी नींव गहरी नहीं है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई डीजे वाले सॉन्ग तो आ जाएंगे, वो कुछ टाइम बाद चलेंगे फिर सब गायब हो जाएंगे। अब देखो, हम बचपन से लेकर अभी तक जितने बड़े हुए हैं, हमको 2-3 लोग ही नाम याद हैं जो आज भी गा रहे हैं या फिर अब नहीं रहे, लेकिन वही लोग अभी भी हम उन्हीं के गाने या तो हम गा रहे हैं या वही हैं, बाकी ओरिजिनल के रूप में ओरिजिनल म्यूजिक, ओरिजिनल कंपोजिशन, ओरिजिनल पोइट्री वो गाई भी है,
राइट इसलिए नहीं है जी. जॉयदीप, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं और पापुंदा को आपने ग्रो करते हुए देखा होगा, या यू नो वही जो मैं कह रहा हूँ कि रॉकस्टार बनते हुए देखा होगा, तो ये कैसे हुआ, क्या लगता है कि क्या खूबी थी उनमें? सो पापुंदा का शुरुआत भी ऐसे ही हुआ था. तो वो भी शोज करता था. सो द बेस्ट पार्ट ये है कि he got stuck to his roots. तो जो रूट्स हैं उसने कभी नहीं छोड़ा. और असम में और एक चीज़ है टू म्यूजिक, म्यूजिक एंड लिटरेचर दे गिव अ लॉट ऑफ लाइक एंकरेजमेंट. तो कुछ भी हो जाए लाइक दे विल रियली एंकरेज. इफ द पर्सन इज फाइनेंशियली डाउन तब भी वो मतलब एंकरेज करेंगे. सो दैट दैट प्लेज अ मेजर रोल इन एन आर्टिस्ट लाइफ. तो यू नीड राइट प्लेटफॉर्म और राइट एंकरेजमेंट फ्रॉम द राइट पीपल एंड ऑल्सो लाइक different culture, different event management who can give shows and everything. So that really benefits an artist. Right. तो आप लोगों का बैंड जब फॉर्म हुआ और अभी फुल टाइम म्यूजिक कर रहे हो या जॉब्स भी हैं साथ में और बीच बीच में जो भी प्रोजेक्ट वगैरह है तो उसके लिए काम करते हो, क्या है? हाँ अभी ऐसे ही है, अभी हम सब के सब अलग अलग एरिया में जॉब्स हैं हमारी. पार्शियली म्यूजिक कर रहे हैं हम लोग और अभी पार्शियली म्यूजिक है. फुल टाइम अभी हो नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर थिंग. जैसा जॉयदीप है तो ये अभी जॉब भी है और साथ में म्यूजिक भी है, इनका भी जॉब भी है. पर जैसे मेरा तो मेरा फुल टाइम ही म्यूजिक है. तो मेरा टीचिंग शोज ये सब चलता रहता है, रिकॉर्डिंग. क्या ये इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ, या मैं इसको ऐसे कहूँ, ऐसा नहीं हो सकता था कि आर्टिस्ट जो पैदा हो गया तो वो आर्टिस्ट ही रहता फुल टाइम और जो नौकरी कर रहा है वो नौकरी करता? ये आर्टिस्ट जो है नौकरी भी कर रहा है और जो उसका एक्चुअल जिस चीज़ के लिए वो इस दुनिया में आया, जो उसके अंदर है, वो सेकेंडरी हो गया, इसके जिम्मेदार कौन है? नहीं, जैसे आर्ट को अप्रिशिएट ना होना, जैसे अभी जो है ना बोला राइट प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियली वीक, ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं. जैसे मेरा था तो मेरे को फैमिली सपोर्ट पूरा था, तुझे जो करना कर ले पर अच्छे से करना. बाकी को नहीं होता, उनके पेरेंट फोर्स करते कि नहीं उनको. जैसे मैं भी सिखाता हूँ पियानो वगैरह, तो मैं भी नोटिस करता हूँ कि पेरेंट की प्रायोरिटी कुछ और होती है. एजुकेशन एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, जबकि बच्चा बहुत अच्छा प्ले कर रहा होता है, बहुत अच्छा कर रहा होता है. बट दे डोंट सपोर्ट. तो फिर राइट ऑन दैट नोट, अगला गाना आपके बैंड का, आपकी कॉम्पोजिशन कौन सी है जो आप सुनाना चाहोगे? कभी कभी सॉन्ग था ये, काफ़ी पसंद किया गया था काफ़ी लोगों के से, तो इस गाने को सुनाएंगे. ये प्लान के ऊपर है गाना, हम ये पलायन के ऊपर है. और ये इस तरह से है कि हमने यहाँ रह के जब उन्हें पहाड़ छोड़ दिया काफ़ी सालों से, और यहाँ पर हम जो ये भागदौड़ देख रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि क्या आज भी वो पहाड़ वैसे होंगे. हालांकि जब जाते हैं वो वैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि अभी भी बचपन की जो यादें हैं वो वैसी हैं कि नहीं है. उसी के ऊपर कभी कभी सोच दूँ मैं अकलू बैठ किए देश माँ, जखे सब धाणी नकलीच असली का भेस माँ, बीटा का कमाना का खातिर यख में भटकणू छो, अग्ने भगने की दौड़ माँ पिछने सुन छोड़ू छो, क्या अब भी रोते होलू, क्या अब भी वखडाड़ियो मसोनु सी घाम ओंद होलू, क्या अब भी वख घूघु पी घूरोंदी होली, क्या अब भी वखरा में पड़ोली लाहोंदी होली. कभी कभी सोच दू छो मी, कभी कभी सोच दू छो मी, कभी कभी सोच दू छो मी,
कभी कभी सोच दूछो जब आपका बैंड परफॉर्म कर रहा होता है स्टेज शोज या इस तरह से, कौन से वो उत्तराखंड के गाने हैं जो किसी और की कंपोजिशन है बट आपको वो अच्छी लगती है और आप लोग परफॉर्म करते हैं? सबसे ज़्यादा हमको जो इंस्पायर करता है म्यूज़िक सेकंड में आता है, मेरे को जो करता है इंस्पायर वो पोएम में आता है। हाँ। तो पोएट्री बहुत कम है जो जिन्होंने सच में एक अच्छी पोएट्री लिखी है जी। जैसे आदरणीय नेगी जी हैं तो उनकी पोएट्री मतलब समझ के आदमी मतलब या तो आंसू ही आते हैं ये समझ, मतलब ठीक है उनका म्यूज़िक और सिंगिंग तो अपने आप में है ही माशाल्लाह, लेकिन जब हम उनको सुनते हैं उनकी पोइट्री मैं पढ़ता हूँ या गाने का मतलब समझता हूँ तो फिर लगता है कितना गहरा है जी। और ऐसे ही जो हमारे पुराने कुछ और सिंगर चंद्र सिंह राही जी के जो कुछ ओरिजिनल कंपोजिशन है या गोपाल बाबू के हैं तो इन लोगों को सुन के ऐसा लगता है कि इन लोगों ने सच में वो चीज़ देखी है और वो इतने सक्सेसफुल रहे हैं उस चीज़ को अपने म्यूज़िक अपनी वर्डिंग और अपने बातों से सामने दिखाने में। राइट नेगी जी को कुछ दिनों पहले मैंने बैंगलोर में परफॉर्म करते हुए देखा था और जितनी उनकी उम्र है उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि मतलब पूरा स्टेज वो कवर कर जाते हैं और एक एक बंदा जब वो सुन रहा होता है लगता है यार ये क्या है, यू नो वो बीच में होते हैं चार गायक इस तरफ मेल चार फीमेल इधर बीच में फिर डांसर्स आते हैं और वो प्रॉपर जो उत्तराखंडी कॉस्ट्यूम होते हैं जो ड्रेस होती हैं उस तरह से और एक मतलब कमाल का मामला है। नेगी जी का कौन सा गाना जो आप परफॉर्म करना चाहोगे अभी? दूर चली गए मान अब तू आसमान वे गए, दूर चली गए मान अब तू आसमान वे गए, पर सुरख इदगाबिंगे जा पर सुरख इदगाबिंगे जा, दूरांग क्यान वे गई दूर चली गए मान अब तू आसमान वे गए। तो कौन वो लोग हैं जिनका लिरिकल कंटेंट अच्छा लगता है? कोई भी हो सकता है, हिंदी सिनेमा में भी हो सकता है या बाकी? आजकल के उसमें तो इरशाद कामिल है और नीलेश प्रसून जोशी, नीलेश मिश्रा हैं, इनके काफ़ी अच्छे लगते हैं। इरशाद कामिल काफ़ी लाजवाब लिखते हैं जी। और पुराने वालों में जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद हैं वो हैं गुलजार, गुलजार साहब मतलब वो ऐसा लगता है कि वो बात ऐसे कि आप जैसे सामने से चली गई और आपको देखकर रुकना पड़ेगा उसके लिए या फिर उसकी स्पीड में जाना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ देख रहे हैं। राइट। और उससे पहले फिर साहिर लुधियानी साहब, तो ये लोग मुझे लिरिकली हिंदी में उर्दू में मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी जॉन एलिया हैं जो ऐसा लगता है कि आपको नींद से झकझोर के आपको जगा रहे हैं, है ना। और अभी गढ़वाली में मुझे सबसे अच्छे तो नरेंद्र सिंह नेगी जी लगते हैं और हिंदी कुमाऊनी मिक्स में गिरदा के बराबर तो फिर कोई है ही नहीं। तो उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज के बीच के जितने भी सूरज हैं वो सारे वो हैं। क्या बात है यार, बस ये लोग हैं जिनको देख के सुन के पढ़ के एक सुकून मिलता है कि हाँ ये लोग इन्होंने ऐसे कोई एक थाती दी है हमें जिसको हम पढ़ते रहे तो हम आराम से अपनी कम से कम ये वाली उम्र गुजार सकते हैं। राइट। पर नीलेश और प्रसून जोशी ने लिखना थोड़ा कम कर दिया है। प्रसून जोशी तो सरकारी मुलाजिम हो गए हैं और नीलेश मिश्रा कह रहे हैं कि भैया बम्बई में चलेगा नहीं, क्योंकि उनका भी राइटिंग मतलब एक गाना था ना वो मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना, क्या गाना है यार वो, मतलब लगता है कि क्या कह दिया इस आदमी ने और बड़ी मासूमियत के साथ बड़ी इनोसेंस के साथ। एक्चुअली आज की जनरेशन में ऐसा है कि हम लोग ना जैसे म्यूजिक बना रहे हैं लेकिन जो लिखने वाले हैं वो बहुत कम हैं और उनसे भी कम हैं पढ़ने वाले। तो हमारे एजुकेशन में या फिर हमारे कल्चर में जो साहित्य का जो एक स्थान होना चाहिए था वो लगभग लगभग गायब ही हो गया है। तो अब ऐसी पोइट्री को सुनने वाले बहुत कम हैं आज की डेट में, इसीलिए मैक्सिमम रीमेक्स या कवर वो पुराने गाने ही नए चाय उबाल उबाल के या वो पुरानी कड़ी कोई हम उबाल रहे हैं। इनफैक्ट बॉलीवुड में भी यही हाल है सभी जगह, मतलब पूरा ओवरऑल म्यूजिक कैसा चल रहा है सब वापस वही पुराना गाना रीमेक कर करके।
लेकिन एक चीज़ है कि जब यूफोरिया ने मायरी बनाया, जब इंडियन ओशन ने देश मेरा रंगरेज बनाया, मतलब ये ऐसे गाने हैं ये कोई छू भी नहीं पाएगा इन गानों को। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हाँ एंथम है ये। और एक प्रसून जोशी की जब बात हो रही थी तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है सत्यमेव जयते का जो टाइटल ट्रैक उन्होंने लिखा था, तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। मतलब आप मातृभूमि के लिए कह रहे हो कि महबूब के लिए कह रहे हो, जहाँ समझ ना आए है ना, वो बीच वाली जो बात है, तेरी जुल्फ सुलझाने चला तेरे और पास आने चला, जहाँ कोई सुर न हो बेसुर गीत में गाने चला। सो क्या समझते हैं म्यूज़िक कर रहे हो, क्या लगता है कि कुछ होगा या फिर जी हम सब जो है गालिब ही बन जाएंगे, लोग कहेंगे ये गालिब थे पुरानी दिल्ली में रहते थे, फिर टूरिस्ट आएंगे देखने है? नहीं, बस हमें ये है कि हमें आर्ट अच्छी लगती है तो हम बस आर्ट में ही रहते हैं, क्योंकि हमें कुछ जैसे अभी जो सॉन्ग था गढ़ कुमो, इसको 4 साल लगे आने में, तुमने इसको अरेंज करा, फिर से पीछे छोड़, फिर से रीअरेंज किया, फिर से रीअरेंज किया, जब तक उसकी 6-7 अरेंजमेंट ना होगी तब तक हम नहीं हुए कि नहीं है छोड़ रहे। एक टाइम पीक पे आते हैं फिर नीचे जाते हैं, फिर पीक पे आते हैं फिर नीचे जाते हैं, तो ये आर्टिस्ट का एक नेचर होता है। आर्टिस्ट को आर्ट नहीं छोड़ सकती एक्चुअली, आर्टिस्ट अगर छोड़ना भी चाहे बस जाएगा नहीं, बट अगर वो इनकेस कभी आता भी है उसके ऐसी कंडीशन आ जाती है कि छोड़नी है उसको आर्ट, अभी कुछ और करना है पर नहीं छोड़ेगी उसको आर्ट, ये है आर्ट का। ओके, पर कभी ऐसा लगता है किसी इस तरह के यू नो कॉर्नर पे बैठ के कभी गुस्सा आता है कि जो आर्ट वाला है उसके पास कॉमर्स नहीं, और जिसके पास कॉमर्स है उसके पास यार आर्ट नहीं है, ऐसा कभी लगता है कि मतलब नहीं, वो लगता है फिर अब छोड़ो क्या देखना, ऐसा हो जाता है कि हम तो आर्टिस्ट हैं और तो हम गुर्बत में ही जाएंगे, हमारे नाम पे जो है लोग कहेंगे अरे वो बड़े अच्छे आदमी थे, थे हैं नहीं कहेंगे। पलायन के ऊपर मैंने एक बार एक लाइन बोली थी कि उसके अक्स ने दम तोड़ दिया शहर में घुट घुट कर, उसकी माँ ने गांव में कहा था बेटा खूब कमाता है, तो हम सब वही क्या बात है, हमारी माँ मतलब माँ नहीं लेकिन हमारे जितने भी हम जिस जगह से आ रहे हैं तो वहाँ पर एक इमेज है कि वो दिल्ली में है, चाहे हम यहाँ कैसे भी हैं, चाहे हमारे अपने फ्लैट्स हैं या हम किराए पे हैं या हम कैसे भी रह रहे हैं है ना, लेकिन वहाँ एक सुकून रहता है कि बेटा अंग्रेजी में बात कर रहा है, थोड़ा अच्छे कपड़े पहन रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, चाहे वो रोज दिन रात अपने वापस अपने घर को आने को या फिर अपनी माँ से मिलने के लिए वो रोज बेचैन रहता है। हमारी कंपोजिशन है माँ के ऊपर है, तो आप अगर सुनेंगे तो आप समझेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर। जयदेव कोई भी कॉर्ड से याद नहीं है गाने में। माँ है माँ मेरी खुद लगी च तेरी, माँ है माँ मेरी खुद लगी च तेरी, खुखली मापरी फिर मैं ते सिले दे, खुगुती बसूती खिले दे, खुखली मापरी फिर मैं ते सिले दे, घुगुती बसूती खिले दे, माँ है माँ मेरी खुद लगी च तेरी। मतलब मुझे लगता है जॉयदीप को तो गांव में ये भी कहते होंगे अब तो लड़का गिटार भी बजाता है, पैसे बहुत कमा रहा है, गिटार है उसके पास है, बैग से बड़ा तो गिटार टांग के लाता है। ओके, बट उम्मीद करूंगा आप लोगों ने जो एपिसोड देखा आपको पसंद आया होगा, और अपनी तरफ से अगर कुछ कॉन्ट्रीब्यूट हमारी ये जो म्यूज़िक कर रहे हैं उसकी तरफ कुछ हो जाए आपकी तरफ से तो मज़ा आएगा, इशारों में ज़्यादा समझिएगा। अतुल, हेमंत, जॉयदीप, अनूप, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और वाकई में, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ईमानदारी से बड़ी इच्छा थी तुम लोगों से, बिकॉज जिस तरह का काम हो रहा है एटलीस्ट कोशिश थी कि एक बार मुलाकात की जाए खुद के लिए, और जब खुद के लिए कर रहा होता हूँ तो ये देखने वालों तक पहुँच ही जाता है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।